यदि आप यूपी के निवासी हैं और अभी तक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नहीं देखे हैं कि 2023 में यूपी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होने जा रही है, जिसमें आपको बीटेक, बीसीए, बीएससी, आईटी और भी अन्य कई डिग्री हैं जिसके साथ आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इसकी सैलरी आप देख सकते हैं 25,000 प्रति महीने जो है रखी जा रही है, शासनादेश जारी कर दिया गया है। चलिए आपको शासनादेश दिखाते हैं, पूरा डिटेल दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक नियुक्ति हेतु कार्यवित्त, मतलब राजकीय जो माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती की जाएगी और वो भर्ती जो होगी जेम पोर्टल से की जाएगी। और जेम पोर्टल आपको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई एक प्राइवेट कंपनी का बंदा जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर लेगा और उसको टेंडर मिलेगा और वो जाके सारी वैकेंसी को फाइनलाइज कराएगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो आपको हम बता दें कि जो बजट होता है, जो कि माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं उसमें कंप्यूटर शिक्षक के पढ़ाने के लिए, उसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हल्का सा कितना ज़्यादा होता है वो मैं आगे आपको दिखाई दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो बजट होता है वो 30,000 प्रति महीने का होता है, यानी कि 30,000 प्रति महीने कंप्यूटर शिक्षक को दिए जाएंगे, जो कि 10 महीने ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं 12 महीने 11 महीने दिया जाएगा, लेकिन अब ये जो है बजट ज़्यादा लग रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जेम पोर्टल के माध्यम से 25,000 प्रति महीने का एक नोटिफिकेशन जारी कर रही है। समय तो सेम है, 10 महीने ही जो है मानदेय दिए जाएंगे, जो कि 25,000 प्रति महीने दिए जाएंगे। पहले 30,000 अगर गवर्नमेंट इसको वैकेंसी को फाइनलाइज करती थी, उसे 30,000 देने पड़ते क्योंकि उसका मानक वह है, लेकिन जेम पोर्टल के माध्यम से कोई प्राइवेट कंपनी इसको फाइनलाइज कराएगी तो इसमें जो होता है मानदेय कम किया जा सकता है। तो उसमें वो कम करके 25,000 प्रति महीने, 10 महीने तक ही मानदेय मिलेगा, बाकी 2 महीने का नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कंप्यूटर में महिला शिक्षक पुरुष शिक्षक दोनों के लिए वैकेंसी निकलेगी, जिसमें बीटेक बीई कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक, बीएससी आईटी वगैरह, यहाँ बीसीए वगैरह की बात हो रही है। बाकी यदि आपका नीलिट डोएक से ए लेवल का अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आवेदन कर सकते हैं। ए लेवल ओ लेवल आपने सुना ही होगा, तो ए लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब बात करें इसमें जो वैकेंसी रहेगी उसके 3 गुना लोगों को इसमें बुलाया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए आपसे थोड़ा बहुत पूछा जाएगा हो सकता है। बाकी आगे इसमें कैसे कैसे वैकेंसी को फाइनलाइज किया जाएगा तो अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। फिलहाल ये जो वैकेंसी है कभी भी आ सकती है, कभी भी जारी की जा सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा जिम पोर्टल पे ये जो है निविदा दे दिया गया है, यानी कि टेंडर दे दिया गया है। तो जैसे ही ये जारी होता है नोटिफिकेशन आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। फिलहाल अभी तो बस इतना ही, धन्यवाद।